हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकू मम लाइफस्टाइल तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के पाँच बजे हुए हैं और मैं कर रही हूँ इनके लंच की तैयारी तो यहाँ पे ना मैं सारी सब्ज़ियाँ काट कर रखती हूँ जैसे मटर छील के रख लेना गोभी काट के रख लेना गाजर काट के रख लेना पालक काट के रख लेना मतलब मैं सर्दियों में ऐसा करती हूँ जो सब्ज़ी काट के रखने लायक होती है मैं उनको काट के स्टोर कर लेती हूँ ताकि जब भी मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत पड़े तो मैं अपना बस निकालूँ और बना लूँ मुझे काटनी पीटनी ना पड़े और सर्दियों में तो मैं ऐसा करती हूँ कि लहसन भी मैं काट के रखती हूँ तो यहाँ पे मैं पालक भी ले आई हूँ और पालक को मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है इसे साफ़ करने के लिए काट पेट के रखी है ऐसे साफ़ कर रखी है मैंने ताकि मैं रोटियों में डाल सकूं और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू और जो नए वाले आलू होते हैं मैं इनको कभी भी छीलती नहीं हूँ जो स्टील वूल होता है ना जो स्टील वाला जूना होता है बस उससे मैं इसको हल्का सा रब करती हूँ टैप के नीचे और जो है सारा छिलका इनका बहुत ही ईजिली निकल जाता है क्योंकि धोने तो हमें होते ही हैं क्योंकि इनके पे बहुत सारी मिट्टी लगी होती है इस वजह से तो यहाँ पर मैंने आलू धो लिए हैं और अब मैं इनको काट लूँगी अपने हिसाब से तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू गाजर मटर और एक छोटी सी शिमला मिर्च पड़ी थी काफ़ी दिन से मैंने वो मिक्स वेज के लिए रखी थी बट मिक्स वेज बना नहीं जिस तरीके से मैं बनाना चाहती थी बट ये भी चार पांच सब्जियां मिली हुई हैं तो ये शिमला मिर्च भी इसी में काट लूँगी और अब मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई गैस पर और इसके अंदर डाल देती हूँ सरसों का तेल क्योंकि सबसे पहले बनाने रखूँगी सब्जी क्योंकि जितने और काम होंगे आटा वाटा लगेगा इतने सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी तो गैस को मैं यहाँ पर बिल्कुल सिम कर दूँगी और जितने मेरा तेल गर्म होगा इतने मैं जो है आटा वाटा छान के और आटा लगा भी लूँगी इतने क्योंकि आप सबके घर में भी ऐसा ही होता है क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दबाजी होती है कि एक काम के साथ साथ हम दो तीन काम साथ साथ करते रहते हैं कि बस ये रखा फिर ये किया फिर ये रखा फिर ये किया तो तेल गर्म होगा इतने में आटा छान लूँगी उसके अंदर नमक वगैरह जो भी डालना है वो डाल लूँगी क्योंकि इस टाइम बैठ नहीं सकते हैं इनका लंच बना कर देना है ये लेट भी हो जाते हैं कई बार तो और आज जो है चीकू की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे वो भी है कि कहीं वो बीच में उठ ना जाए तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही हूँ तो साथ के साथ मैंने और चीज़ें जो जहाँ से ली थी मैं उसको साथ के साथ ही वहीं पे रख देती हूँ ताकि बाद में जो है मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े जैसे आटे के ऊपर से डब्बा उतारा तो वो उसके ऊपर रख दिया जो सामान जहाँ से लिया उसे मैं वहीं पर ही रख देती हूँ और अब मैंने आटे में डाल ली है पालक सर्दियों में ही पालक मेथी बथुआ आता है और इनका ना पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए तो इनको भी ना पालक की या मेथी की या बथुए की जो रोटियाँ होती हैं या पूरियाँ होती हैं पराठे होते हैं इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम में डेली ही इन्हीं चीज़ों की रोटियाँ बनाऊँ और गर्मी में भी वैसे पालक आती है पर उस टाइम वो टेस्ट नहीं होता जो इस टाइम आता है सर्दियों में तो यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और प्याज जीरे को मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ कभी भी काला नहीं करती हूँ हल्का सा ब्राउन करती हूँ उसके बाद डाल दी थी प्याज और अब मैं साथ में काट लूँगी टमाटर मतलब एक मिनट का भी जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए ख़राब नहीं होना चाहिए सुबह के टाइम इतनी जल्दबाजी होती है और मेरे साथ ही नहीं ये मतलब सबके घरों में होता है जो लेडीज़ कि हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस जाते हो सब समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कितनी जल्दबाजी होती है और जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको तो एक, -एक मिनट का मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए कि कहीं बच्चा उठ ना जाए तो यहाँ पे प्याज भी भुन चुकी है और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर और साथ में मैं डाल दूँगी सूखे मसाले जिसमें सिर्फ हल्दी नमक मिर्च ये तीन ही मसाले हैं और यहाँ पे मैं कभी कभी तो क्या करती हूँ ना टमाटर के साथ सब्जी डाल देती हूँ और फिर बाद में मसाले डालती हूँ कभी साथ डाल लेती हूँ मतलब किसी भी तरीके से बना लेती हूँ तो जितने जो है टमाटर और प्याज जो है फ्राई हो रहे हैं इतने और काम कर लेते हैं जैसे मसालदानी उठा के रख देना क्योंकि अब मसालदानी का कोई काम है नहीं यहाँ पर और यहाँ पे ये देखिए सब्ज़ी जो है वो अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं सब्जी के साथ भी गल जाएंगे क्योंकि टमाटर के पानी से सब्जी अच्छे से गलेगी तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी है धुली हुई सब्जी और थोड़ा बहुत पानी ना जब सब्जी डालते हैं तब उसमें चला ही जाता है और उसी में ही जो है सब्जी बन जाएगी इसके अंदर मैं कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऊपर से नहीं डालूंगी और बस ये ऐसे ही जो है सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी एकदम खिली खिली सी और इसको ना मैं ढककर पकाऊंगी बिल्कुल सिम गैस के ऊपर तो मसाले को सारी सब्जी के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर और सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है मेरे को कोल्ड हो रहा है तो ढक दी है मैंने सब्जी को और इसको ना मैं इसी ढक्कन से ही ढकती हूँ हमेशा ये एक टिफिन का ढक्कन है मतलब टिफ़िन है ये ऊपर ढक्कन अलग है और ये जो है इस पर बिल्कुल फिट बैठता है तो जितने सब्जी बनेगी इतने मैं लगा लूँगी आटा और सब्जी को ए, दो बार ही चेक करूँगी तीसरी बार में तो सब्ज़ी जो है अच्छे से बन चुकी होगी सिम गैस पर तो यहाँ पे लगा लेते हैं आटा और मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा आटा लगाया है पालक वाला आटा है और अगर ये बच जाता है तो शाम को इसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनती तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा मल के और रख दिया है जितने मैं बर्तन वगैरह जचाऊँगी या और काम करूँगी इतने जो है आटा रेस्ट कर लेगा और फिर पाँच दस मिनट बाद जब मैं इसको हल्का सा मलूँगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा लोच वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो जितने आटा रेस्ट कर रहा है सब्ज़ी बन रही है इतने मैं अपने रात के जो बर्तन हैं उनको उनकी जगह पर रख दूंगी और रात को मैं इनका टिफ़िन मैंने नहीं धोया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बर्तन वग़ैरह ज़्यादा धोने का तो बस मैं सो गई थी तो कुछ बर्तन हैं जिनको मुझे धोना भी है और जो अवन है अवन के अंदर मैं बहुत सारा सामान रखती हूँ जैसे कप है या कांच के ग्लास है क्योंकि चीकू छोटा है और वो स्लैब पर बैठता है तो उसको गिराने का तोड़ने का मुझे डर रहता है और जो ये चीज़ें हैं ये डेली में भी यूज़ नहीं आती हैं तो इनको मैं अवन के अंदर रखती हूँ और कल मुझसे ये गिलास टूट गया था और उस टाइम चीकू जहाँ बैठा था तो मैंने इसको इसके अंदर ही रख दिया कि बाद में मैं इसको फेंकूँगी तो यहाँ पे वो गिलास भी मैंने निकाल लिया है और सारे कप को जो मैं अवन के अंदर रख दूँगी और जब मुझे अवन का यूज़ करना होता है तो इन सारी चीज़ों को मैं बाहर निकाल देती हूँ ये कभी स्टोरेज के काम आता है और कभी बेकिंग के काम आता है और यहाँ पे अब सारे बर्तन मैं खाली कर लूँगी जिनमें कुछ कुछ रखा है तो इसके अंदर गुलाब जामुन थे ये मैंने खा लिए हैं और और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके सामान मुझे निकालना है इसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि खिचड़ी आई थी बाजरे की तो थोड़ी सी बच गई थी तो मैं इस मतलब सारे बर्तन जो खाली करने के हैं उन्हें मैं खाली कर लूँगी ताकि खाना बनाने से पहले ही मैं एक बार सारे बर्तन धो लेती हूँ ताकि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन ना धोने पड़े और यहाँ पर मैं ये जो दूध है इसको गर्म कर लूँगी शाम का बचा हुआ दूध है थोड़ा सा तो इसको भी मतलब पतीले को मैं खाली कर लूँगी दूध गर्म करके और सब्जी को मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ फ़र्स्ट टाइम अभी पहली बार ही मैंने इसे चेक किया है और इसको मैं दोबारा थोड़ा अलट पलट के जो है इसको पलट के रख दूंगी ताकि नीचे ऊपर की सब्ज़ी नीचे चले जाए और नीचे की ऊपर आ जाए और दूध को भी मैंने एक टिफ़िन में उसमें मग्घी में निकाल लिया है और इस टिफिन के अंदर है दही जो मैं इनका दही इनके टिफिन में ही जमा देती हूँ मैक्सिमम टाइम और आटा जो है वो भी बिल्कुल सेट हो चुका है इसको हल्का सा मलेंगे और हमारा आटा बनकर रेडी हो जाएगा और आटे को ना मैं एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी और जो परात है इसको भी मैं धो दूँगी क्योंकि आपको पता है मेरे काउंटर टॉप पर इतनी जगह नहीं है कि मैं यहाँ परात भी रखूँ और फिर रोटियाँ भी बनाऊँ तो यहाँ पे पहले आप ये बर्तन सारे मैं धो लूँगी क्योंकि मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए हैं बस रोटी बनाऊँगी वो होंगे तवा वगैरह और जो सब्जी के हैं वो और मैंने सारे धो लिए हैं यहाँ पर तो सबसे पहले ना मैं परात धो दूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ी है सिंक में आती नहीं है और फिर इसे इधर उधर रखूँ तो सबसे पहले मैं हमेशा इसी को धोकर और इसको इसकी जगह पर रख देती हूँ तो पहले मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी रखने की बट यहाँ पे ना वो रख ही नहीं जाती रिपट जाती है तो मैं इसको अब पीछे रख दूंगी जहाँ मैं गैस के पीछे हमेशा सारे जो मतलब पराज जो रखती हूँ वहीं पे मैं इसको रख दूँगी और ये देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं तो पहले मैं इनको सारे बर्तनों को एक बार साफ़ पानी से धोती हूँ या फिर किसी पे कुछ लगा हुआ होता है तो जूने से साफ कर देती हूँ क्योंकि जब वो बर्तन गंदे होते हैं तो मेरा उन्हें धोने का बिल्कुल मन नहीं करता तो इनके अंदर कुछ भी जमा हो कुछ भी चिपका हुआ हो तो उन्हें मैं एक बार पानी से धो लेती हूँ ताकि वो सब कुछ उतर जाए और उसके बाद बस फटाफट फटाफट साबुन लगाया और बर्तन बिल्कुल साफ़ और एक बार साफ़ पानी से धो के इनको साबुन लगा के अब मैं मतलब दोबारा इनको धो दो धो के ये छलनी के अंदर रख दूंगी और ये आप मेरे पास देख रहे हो ये है लोहे की कढ़ाई ये निकाली है मैंने और इसको मुझे साफ़ करना है बट इसको अभी साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर लगने वाला है टाइम क्योंकि इसे पत्थर से साफ़ करना है ताकि बिल्कुल सफ़ेद निकल जाए और यहाँ पे मैंने बर्तन धोने के बाद मैं बना लूँगी यहाँ पर रोटी इनके टिफ़िन के लिए भी बनाऊँगी और जो और मैं अपने दिन के लिए भी जो है रोटी अभी बना लेती हूँ बस सुबह नाश्ते की अभी नहीं बनाती वो जब चीज़ उठता है तो उसके साथ ही बना लेती हूँ और आपको पता है ना ये पालक की जो पालक मेथी बथुए की जो रोटी होती है जिसमें काट कर डालते हैं अगर पीस के डालें तो वो सारी रोटी फूलती हैं पर जिसमें हम काट के डाल देते हैं ना वो रोटियाँ कोई ही एक आधी होती है जो फूलती है या फिर कोई रोटी अगर मोटी बनाते हैं तो वो फूलती है नहीं तो नहीं फूलती हैं और इन्हें तो ना पीसवा के डालना ही पसंद है बट मैं आलकस कर जाती हूँ और मैं बस काट के उसे डाल देती हूँ बट रोटी फिर फूलती नहीं है तो यहाँ पे रोटी बन चुकी हैं और इनके टिफिन की तो मैंने डाल भी दी है और ये तीन रोटी मैंने अपने लिए रखी है दिन में खाने के लिए तो खाना सारा बन चुका है और अभी मतलब इनका टाइम नहीं हुआ है अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है तो मैं यहाँ पे जो भी सामान है इनको उठा उठा के पहुँच पहुँच के इनको इनकी जगह पर रख दूँगी और ये एक रोटी का आटा बचा है जिसका मैं बनाऊँगी पराठा जिसमें से मैं भी खा लूँगी और चीकू भी खा लेगा तो इनका टिफ़िन पैक हो चुका है और ये जा चुके हैं और अब मैं कर लेती हूँ अपनी किचन क्लीन और इस बीच ना मैं अपने और भी काम कर लिए मैंने मतलब मैंने बाहर मशीन लगाई हुई है तो कपड़े वगैरह भी मैंने दो घान के धो दिए हैं क्योंकि अभी ताज़ा पानी आ रहा है और ताज़ा पानी से जब कपड़े धोते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब कपड़े धुल गए ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी तो यहाँ पे मैंने सब्जी को जो है टिफिन में निकाल लिया है और यहाँ पे जो भी सामान रखा है उनको पहुँच पहुंच के मैं उनको उनकी जगह पर रख दूंगी और जो गैस के ये होते हैं ना बर्नर के साइड में लगे होते हैं इनको मैं डेली धोती हूँ सुबह तो और कई बार ऐसा होता है कि मैं शाम को भी धो देती हूँ पर शाम को मैक्सिमम टाइम मैं पहुँच ही देती हूँ कभी कभी ही धोती हूँ तो यहाँ पे कर लेते हैं किचन साफ़ और काउंटर टॉप पे ना बहुत ज़्यादा आटा हो जाता है और जब इस तरीके की रोटी बनाते हैं तो वो आटा थोड़ा बहुत चिपक भी जाता है तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी किचन को जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले स्लैप ही क्लीन करूँगी ताकि यहाँ से सारा आटा वाटा जो है हट जाए एक बार मोटा मोटा साफ़ कर दिया अब जो है सारी चीज़ों को हटा हटा के एकदम साफ़ तरीके से जो है मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी दिया है बर्तन वगैरह भी धो दिए सिंह कभी नहीं धोया है क्योंकि अभी चिकू उठेगा उसके बाद मैं मेरा और चिकू का बस नाश्ता बनाना है कुछ नहीं बनाना एक रोटी का आटा रखा है उसका थोड़ा सा पराठा बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी तो मैं चाय के साथ और चिकू दूध के साथ उसको खा लेगा और इस वीडियो का अब मैं यहीं पर एंड करूंगी क्योंकि चीकू की तबीयत खराब है रात को उसको थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई थी तो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो उसकी जाएगा उसके बाद मैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी क्योंकि मुझे उसे भी टाइम देना है मतलब उसकी थोड़ी सी केयर करनी थोड़ा सा पैम्पर करना है वो फोन अपने हाथ में ले लेगा ले तो मुझे काम करने देगा और काम बहुत सारा है मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बैक कैमरा से मैंने मशीन लगाई हुई है ये सारे कपड़े तो मैं धो के सुखा भी चुकी हूँ और मशीन लगाना भी जरूरत था क्योंकि कपड़े बहुत सारे गंदे हो रहे थे कुछ चिकू ने रात को वॉमिटिंग की थी इस वजह से भी बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मशीन लगानी बहुत जरूरी थी तो मशीन मैंने लगा रखी है बाहर कपड़े धुल रहे हैं चिकू अभी सोया हुआ है क्योंकि वो रात को काफी देर जो है सो नहीं पाया था मतलब बार बार उठ रहा था क्योंकि उसका जी घबरा रहा था इस वजह से तो अभी वो सो रहा है तो, तो मैं सोच फटाफट फटाफट काम कर लू और जब वो उठ जाएगा तो जो थोड़ा बहुत काम बचेगा वो मैं उसको फोन दे दूंगी उसके हाथ में तो वो खुशी खुशी मतलब मुझे काम करने देगा वो थोड़ी देर कार्टून वगैरह देख लेगा वैसे मैं उसे जल्दी से फोन नहीं देती हूँ चाहे वो रोता रहे बट कभी कभी बच्चा बीमार हो जाता है तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं देना पड़ता है ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते करना तो चलिए ठीक है मैं अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ आपको मेरा मॉर्निंग किचन रूटीन कैसा लगा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया